हमारी एक और नई वीडियो में। अभी हम लोग ना अपनी गाड़ी में जो अल्ट्रॉज है उस पर पेडल लैंप्स इंस्टॉल करने वाले हैं, तो आपको दिखाते हैं आगे प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ पर गाड़ी अभी खड़ी है अपनी, इसको अभी अंदर करते हैं, पहले अंदर लेते हैं अपना वर्किंग एरिया ये जैसे कि होता है हमेशा से। तो यहाँ पर लेके इसको किस तरह से आपको आगे इस पर इंस्टॉल करना है ये पेडल लैंप्स वो दिखाते हैं आपको। तो चलिए गाड़ी को अंदर करते हैं, आप यहाँ से देखिए शॉर्ट इसका। तो भाई अभी इस पे ना हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर जैसे लैम्प प्लेस करेंगे हम लोग जस्ट इसके नीचे साइड, जो नीचे का साइड प्रोजेक्ट होगा, मतलब प्रोजेक्ट नहीं लैम्प बस लाइट मारेगा, तो उसके लिए ये हमें हटाना होगा सबसे पहले ये वाला चीज़। ये लॉक पे रहता है, इसको सीधा ऐसे ही खींचोगे तो ये दोनों लॉक पे था, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको ये चारों स्क्रू को ढीला कर लेना है, ये जितना भी चारों है, तो इससे ये मिरर आपका बाहर आ जाएगा। ये मिरर को अब हमको बाहर ऐसे तो होगा नहीं यार, उस पर छेद क्योंकि करना होगा यहाँ पर, ये नीचे साइड आपको यहाँ पर इस पर छेद करना होगा, तो वो ऐसे तो होगा नहीं, तो इसके लिए आपको ये मिरर उतारना पड़ेगा। और उसके लिए यहाँ पर कपलर भी नहीं दिया है यहाँ पर नज़दीक पे, तो क्या करें, डोर उतारना पड़ेगा। डोर को उतारते हैं, इसका ये कपलर को हटाते हैं और इसे घर ले करके चलते हैं। अरे यार ये कैसे टूटा है, अब ये हो चुका है यहाँ से नट रिलीज़। तो ये वाला देखो ये पूरा फ्री हो गया है, अब ये बाहर आ जाएगा, इसे यहीं अड़े रहने देते हैं। और साथ में अब क्या करना है, ये डोर हमें रिमूव करना है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक फिलिप हेड बोलते हैं ये फ्लैट हेड वाला, ऐसा वाला स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, इसको यहाँ लगाते हैं और यहाँ पर इसे लगा के थोड़ा सा देखिएगा स्क्रैच स्क्रैच ना आ जाए, और यहाँ पर से इसे पुश करके ऐसे इसे बाहर निकालना है, ठीक है। आप ये देखो ये यहाँ से इसे पुल करते करते निकल गया, स्क्रैच तो आ गया इस पर और ये बाहर आ गया, बस ये चीज़ आ गया बाहर। अब यहाँ से कपलर को डिकपल कर लेंगे यहाँ से, और अब ये स्क्रू को अब बता रहे कौन कौन सा स्क्रू है, एक ये स्क्रू है, इसको एक यहाँ, दूसरा ये, तीसरा, और उसके बाद ये यहाँ से खींच लेंगे ये वाला लॉक हटा करके, ये वाला लॉक हटाना होगा पहले, उसके बाद ये, उसके बाद आगे बताते हैं। उसके बाद यहाँ एक और स्क्रू है और ये फिर नीचे, ये सारा हमको खोल लेना है, फिर ये पूरा क्लिप पे डोर है ये बाहर आ जाएगा। ये देखो आया, यहाँ से हो गया, इधर बढ़ते जाना है, एक और गया, ये धीरे धीरे सारा बाहर आ गया अपना क्लिप से, ठीक है। तो इस पे टोटल नंबर ऑफ नट कितना है एक बार देख लीजिए, आपको अभी ये हटाने का दिखा है, अब यहाँ एक दो तीन और ये चार, चार नट आपको करना है यहाँ से रिमूव, और नीचे एक है यहाँ पर, कहाँ गया ये रहा, यहाँ पर से एक फिलिप्स हेड वाला ही नट था वो भी रिमूव कर लिया, तो टोटल यहाँ से चार नट, नीचे एक पाँच। अब ये रिमूव करने के बाद ये पूरा पैनल को खींचना है तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, वो अभी आपको दिखाते हैं। तो इधर से जितना भी लॉक सब है ना, ये सब को खींचते हुए निकाल देना, ये पूरा डोर पैनल देखो बाहर हो गया है। अब बस इसको यहाँ से ऊपर जैसे ही उठाएंगे ये हो गया बाहर पूरा, इधर है अंदर का लुक। ये स्पीकर को रिमूव करना होगा, फिर यहाँ से हाथ घुसा के ये वाला कपलर यहाँ पर हम लोग मिलेगा, ये वाला जो क्लिप है ना उसी कपलर का यहाँ पर वो फंसा हुआ है, बस यहाँ पर से उसको खींचना है, कपलर अलग करना है, मिरर निकाल के घर लेके चलना है। पहले तो इसको अलग करते, तीन नट है यहाँ पर, ये तीनों को खोलते हैं। ये देखो ये वाला हिल रहा है ना, अब इसे दबाना है इधर से आपको और अंदर अंदर कर देना है। ये मिला यहाँ पर, आपको दिखाते हैं एक बार इसको भी हटा के, ये देखो ये वाला कपलर है। अब इसको यहाँ पर से आपको फील करके करना है, ये हटाना चाहते हैं तो हटा लेना यार, थोड़ा सा कोई बड़ा झमेला नहीं है, यहाँ पर से इसको दबा करके खींच लेना है, अलग हो गया, अब आपका मिरर बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको वापस लगा देते हैं, ये हुआ कपलर बाहर इसका, और मिरर को इधर ऊपर की साइड खींचेंगे ना, जब आ रहा है ना, इधर से मिरर को ऐसे ऊपर की साइड खींचेंगे और थोड़ा सा मूव करते हुए आ गया ये बाहर, इसको बस अब घर लेके जाना है और होल कैसे करना है वो सब हम आगे दिखाते हैं। अब यहाँ देखो भाई, इसे हम लेकर के घर आ चुके हैं, यहाँ यार इसका हालत ख़राब हो गया, पानी इतना ख़राब है ना यार घर का। ये यहाँ पर हमने मार्किंग कर लिया है यहाँ पर, ये पेन से इस तरह से गोल सा, जस्ट आपको देख लीजिए किस जगह करना है फोकस, ठीक है,
जी यहाँ पर से आपको इधर से ही फिट कराना पड़ेगा, आप ये वाला पार्ट नहीं उतार सकते हो। हमने कोशिश किया ये वाला पार्ट सामने वाला उतारने का, ये वाला जो है, लेकिन ये नहीं उतर रहा है। तो यहाँ पर से ही आपको इधर से घुसाना होगा। और जो लाइट है वो किस तरह का लिया है हमने, ये देखो, ये वाला लाइट को हम लोग फिट करेंगे जो यहाँ पर से हल्का सा बाहर निकलेगा। हम तो पहले चाह रहे थे कि इस पे ही फिट हो जाए, बहुत ही एकदम कंपनी फिटेड जैसा लगेगा, लेकिन वो नहीं हो पाएगा यार। यहाँ ये बैठेगा ही कैसे, देखो यहाँ पर। ये यहाँ पर हमने लिया सोल्डरिंग आयरन भाई, बहुत ही मतलब आराम से ये काम करना है आपको। ये सोल्डरिंग आयरन लिया हमने और यहाँ पर से इसे इस तरह से गर्म करते करते धीरे धीरे काटेंगे। देखो तो इसे पिघलना स्टार्ट हुआ ना, इस तरह से इसे अंदर आर पार कर देना है, उसके बाद पूरा इसे पिघला देना है। ये पूरा इतना सर्कल काट के उसके बाद इसे फिनिशिंग देने के लिए क्या करना है, ये वाला जो है, इसे रेती या जो बोलते हैं फाइल बोलते हैं, उससे यहाँ पर घिस घिस के इसको बराबर कर लेना है। एकदम फिनिशिंग के साथ काम करना होगा आपको, थोड़ा पेशेंस के साथ, नहीं तो अगर ये ज़्यादा कट गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको, फिर ग्लू लगाना पड़ेगा। मेरा क्या है, मैं ना इसको बिल्कुल फिट काटना, इस पर ग्लू का जरूरत नहीं पड़े, इस पर ये खुद से ही जा करके ये लाइट इस पर फंस जाए। तो अब आप इसको देखिए फास्ट फॉरवर्ड में। सोल्डरिंग आयरन से फिर ये इसे घिस घिस करके, इसे घिस घिस के पूरा यहाँ पर शेप काट लिया है इसका। ये ना यही वाला चीज़ है, ये देखो इसको, ये निकाले हुए एक दूसरा वाला बल्ब का। तो ये देखो अब कितने अच्छे से फिट हो रहा है। इधर साइड से हम ऐसे जैसे फिट करके अगर दिखाए तो ये देखिए एक नंबर, एकदम OEM जैसा फिट आ रहा है, पूरा अंदर तक चल जा रहा है। तो इसी को अब अंदर साइड से फिट करते हैं और दिखाते हैं आपको। अंदर से प्रेस हो गया, कुछ इस तरह से दिख रहा है ये। हो गया, तो ये हो गया है फिट हमारा यहाँ। और इधर से इसका निकल रहा है पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव है, इस पर रेड जो मार्किंग है पॉजिटिव है। पॉजिटिव पे एक वायर कनेक्ट कर लेंगे और इसको पास कराते हुए इधर साइड से हमें इसको लाना है और फिर इसका कनेक्शन देना है इधर साइड से ये वाले लाइट से, ठीक है। तो इसके लिए हम उधर साइड पहले से ही पॉइंट निकाल के रखे हुए हैं। फेस आ रहे हैं फिर से, तो वहाँ पर हम पॉइंट निकाल के रखे हुए ए पिलर से इधर साइड खींचा हुआ है, क्योंकि बूट लाइट जो लगाए थे उसके लिए। तो क्या करना होगा ना, हम लोग उसी से कर लेंगे, लेकिन आपको बता देते हैं जो लोग ये वाला मतलब नहीं खोले हैं पहले से उनको कैसे करना पड़ेगा। वहाँ पर का जो मार्किंग है पहले वाला वीडियो पे हम चेक करके बताए थे पूरा, उसी का हम क्लिप कट करके यहाँ पर डाल देंगे। तो अब इसको यहाँ पर जोड़ते हैं पॉजिटिव में और ये इसको पहले ऊपर साइड फंसाना है, ठीक है, ये वाला क्लिप को, ये ब्लैक वाला क्लिप। और जैसे ही इसको इधर ला के आप थोड़ा सा प्रेस करोगे आ गया जगह पर, बस यहाँ नट कसना है। अब इसको जो नेगेटिव देना है यहीं पर से ग्राउंड कर देना है। तो इसको इतना छोड़ के काट लेते हैं, यहाँ से अच्छा से ग्राउंड दे देंगे इसको। इसका स्टार्टिंग लेके यहाँ से पास कराना है, जैसे अभी आपको दिखेगा। आ रहा है गेट से आ गया, वहाँ पर इसको अच्छे से टेप कर दिए है कि घिंचाए नहीं वापस उधर। और अब इधर साइड से पास कराना है सेंटर कंसोल से इधर साइड, और यहाँ पर से कनेक्शन देना है। तो देखते हैं, हाँ हाँ दिख रहा है, भेजो थोड़ा सा और भेजो। तो यहाँ पे हम लोग कर दिए इसका नेगेटिव का कनेक्शन, ये वाला, जैसे कि यहाँ पर नट है तो यहाँ पर भी ग्राउंड तो आएगा ही। ये वाला नेगेटिव वाला वायर को यहाँ पर रखें, थोड़ा सा स्ट्रिप करके वॉशर लगा करके इसको टाइट कर देते हैं। इसे निकालने के लिए हम बताए थे आपको, इसको बस ऐसे वापस बस घिसना रहता है पूरा फोर्स के साथ धीरे धीरे, उसी तरह से बस इसको लगाना है अब धीरे से। फिट नहीं,
हो गया ये कंप्लीट, अब निकालते हैं गाड़ी बाहर। तो अभी हो चुका है इंस्टॉलेशन कंप्लीट, अभी दिखाते हैं आपको इसका रिव्यू। बस अब इसको ना जैसे ही रिमोट से अनलॉक करेंगे तो साथ में ही ये भी जल जाएगी, देखना वो पूरा यहाँ फ्लोर पे आ गया है लाइटिंग इसका, और साथ में इधर भी पूरा फ्लोर पे। अब जैसे ही लॉक करेंगे इसको तभी ये वापस से बंद भी हो जाएगा। हो गया बंद। तो एक दो बार आपको इसका अच्छा से यहाँ पर अगर शॉट देखने मिल रहा है स्क्रीन पे तो अच्छा देख लीजिए आप।